हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं आज आपको लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पर, जिसका नाम है वेद वन पार्क। और अब जा रहे हैं हम इस पार्क के अंदर। तो गाइस, ये है इस वेद वन की पार्किंग, और ये देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी पार्किंग बनाई हुई है। गाड़ियों में खड़ी करने की काफ़ी जगह है यहाँ पर, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो गाइज, हम जा रहे हैं अंदर पार्क के और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो है वेदों के बारे में भी बताया गया है, और यहाँ पर काफ़ी तरह की अलग अलग वनस्पतियों के बारे में भी, और उनके पेड़ भी यहाँ पर लगाए गए हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये पार्क है, और ये अभी हाल फिलहाल में ही बना है। और यहाँ पर एक वाटर शो भी चलता है शाम को, पर अभी इसका कुछ टाइमिंग का पता नहीं चल रहा है, वो किस टाइम से चलता है देखते हैं अंदर जाकर। यहीं चलेगा तो हम आपको बिल्कुल दिखाएंगे, तो बने रहे मेरे साथ ब्लॉग में। गाइज, यहाँ पार्किंग में एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर नमः लिखा हुआ है, जो देखने में काफी ही सुंदर लगता है। तो गाइज, हम जा रहे हैं और अंदर की तरफ। यहाँ पर चारों तरफ जो है एक वॉकिंग एरिया बनाया हुआ है चलने के लिए, आप इससे जो है चारों तरफ पार्क में घूम सकते हैं। पार्किंग से पार्क के अंदर आते ही हमें देखने को मिलते हैं ऋषि जमदग्नि की स्टैचू, वो भी अपने फेमस धनुष के साथ। कहा जाता है कि ऋषि जमदग्नि युद्ध कला में काफी ज्यादा निपुण थे। इन्होंने अनेकों विशालकाय हथियारों का निर्माण करके युद्ध कला में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। गाइज, ये पार्क पूरी तरह से सप्त ऋषियों को डेडिकेटेड है, और ये भारत का पहला वैदिक पार्क है। यहाँ पर 7 अलग अलग जोन बनाए गए हैं, जिनके नाम सप्त ऋषियों के नाम पर रखे गए हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से इस पार्क को सजाया गया है, हर एक छोटी से छोटी चीज का बहुत ही सुंदर तरीके से ध्यान रखा गया है और उसको लगाया गया है। इसी तरह से ही यहाँ पर जो है चारों तरफ जो है सातों ऋषि की एक प्रतिमा बनाई गई है यहाँ पर दिखाने के लिए, और ये सारे वेदों को और ऋषियों को एक तरह से प्रेजेंटेशन करता है ये पार्क, और काफी बड़ा है, यहाँ पर काफी सारी भीड़ है। गाइज, ये पार्क 50,000 से अधिक पौधों और पेड़ों का घर है। इनमें बरगद, नीम, कल्पवृक्ष और नारियल जैसे पेड़ भी शामिल हैं, जिनका उल्लेख वैदिक साहित्य में भी मिलता है। गाइज देखिए, हमें मिला है रुद्राक्ष का पेड़, और सूखा हुआ है ये काफी, ये इसके पीछे जो है ये जो है रुद्राक्ष का पेड़ है, और बिल्कुल सूखा हुआ है, इसमें कोई पत्ता वत्ता कुछ नहीं है अभी। गाइज, बहुत टाइम पहले हमने सुना था कि गुलर का जो पेड़ होता है उसके बारे में हमने सुना था, पर आज हमने देखा है यहाँ पे, ये देखिए ये यहाँ पर है, इसके पीछे गुलर का पेड़। गाइज, ये देखिए, ये है कामधेनु गाय, उनका एक स्टैचू यहाँ पर बनाया हुआ है। पर जगह जगह पर यहाँ पर ऐसे सीटिंग एरिया बनाया हुआ है बैठने के लिए, और काफ़ी सारी फैमिली यहाँ पर आके बैठी है। गर्मी तो काफ़ी है, सब आए हुए हैं रिलैक्स होने के लिए यहाँ पर। गाइज, ये पार्क प्राचीन पाठ पर प्रकाश भी डालता है, और भारतीय संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और इतिहास का मिश्रण है। और ये सामने आप देखें तो समुद्र मंथन का डिजाइन है, जो सागर मंथन की पूरी स्टोरी को दर्शाता है, उसको यहाँ बड़े ही खूबसूरत ढंग से बनाया गया है। गाइज, काफ़ी पीसफुल है ये जगह, और आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, और यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग घूमने के लिए आए हुए हैं। देखिए, यहाँ पर बच्चों के मनोरंजन की काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए चलाने के लिए साइकिल ट्रैक चारों तरफ बनाया हुआ है, और अभी यहाँ पर एक फाउंटेन आप देख सकते हैं, 2 फाउंटेन दिख रहे हैं चलते हुए, और काफ़ी अच्छी यहाँ पर गार्डनिंग की गई है। गाइज, यहाँ आपको ऐसे काफ़ी सारे यूनिक से यूनिक स्टैचू और डिज़ाइन देखने को मिलेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, और वो दर्शाते हैं कि वैदिक कल्चर में जो ज्ञान है उसकी आज के टाइम में कितनी इम्पोर्टेंस है। हम
हम अभी इस पार्क में ही घूम रहे हैं यहाँ पर, और काफी बड़ा है ये पार्क, और यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए झूले भी लगे हुए हैं। ये हमें मिला है कल्प वृक्ष का पेड़। ये हमें मिला था पहले हस्तिनापुर शुक्रताल के अंदर, एक पेड़ वहाँ पर हमने देखा था जो कि बिल्कुल टूटा पड़ा था, सूखा पड़ा था, उसके अंदर जब भी उस पर हरे हरे पत्ते आ रहे थे, और यहाँ पर तो ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में है ये वाला पेड़। ये गाइज आप देख सकते हैं, ये है कल्प वृक्ष का पेड़, ये जो सामने आप देख रहे हैं, और इस पर काफ़ी सारे पत्ते भी आ रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे दुर्लभ पेड़ भी लगाए गए हैं, बहुत दूर दूर से लाए होंगे इनको ये। तो ये इस जो पार्क की थीम है वो ही वेद वन, इसका नाम जो है वेद वन, ये है ही, ये वेदों के आधार पर ये बनाया हुआ पार्क है। गाइज ये वैदिक काल में जो गुरु होते थे वो अपने शिष्यों को इस तरह से ज्ञान दिया करते थे, ये यहाँ दर्शाया गया है। इन सभी स्टैचू में एक अपनी कहानी छुपी हुई है, आप यहाँ आएंगे तो इनके बारे में आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिलेगी। गाइज वैसे हमें यहाँ पर आकर काफ़ी अच्छा लग रहा है, अपने भी यहाँ पर गार्डन ही बनाए हुए हैं सभी की, जो घास की ग्रोथ करने के लिए यहाँ पर जो है देसी खाद होता है, ये गोबर वाला, ये सारे में डला हुआ है। ये आपको यहाँ पर दिखे जाएगा, अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा है ये, यहाँ पर बना हुआ है। तो गाइस देखिए यहाँ पर जो है ये बच्चों के और बड़ों के एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारी मशीनें लगाई गई हैं इस पार्क में, और काफ़ी सारी भीड़ आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा है यहाँ पर इस पार्क में ये एक्सरसाइज करने के लिए, और हमारे अशु भाई ने यहाँ पर बहुत सारी जो है एक्सरसाइज कर ली है। एक तो वैसे ही ये थके हुए थे, और अब और ज़्यादा इन्हें थकान हो रही है, और अब पानी की प्यास लग रही है इनको। हम जा रहे हैं इससे आगे, यहाँ पर ये बना हुआ है, ये पिलर बनाए हुए हैं चार। तो गाइज आ गए हैं हम इसके दूसरे गेट पर, जिसके सामने एक काफ़ी बड़ी बुक बनाई गई है जो हमारे चारों वेदों को रिप्रेजेंट करती है, और इसको बड़े ही सुंदर ढंग से यहाँ पर लगाया गया है। गाइज यहीं पर ही पूरे पार्क का एक मैप भी लगा हुआ है, और पार्क से जुड़ी सभी जानकारी इस पर लिखी हुई है। और यहाँ पर सप्त ऋषियों में से एक ऋषि अगस्त का बहुत बड़ा स्टैचू बनाया गया है, जिनको कहा जाता है कि वो रसायन शास्त्र और चिकित्सा में निपुण थे। और यहाँ पर एक आर्टिफिशियल लेक भी बनाई गई है, और उसमें बहुत सारे फवारे भी लगे हुए हैं, जो वन ऑफ द बेस्ट अट्रैक्शन यहाँ पर है। यहीं पर शाम को 7:30 बजे एक लेजर शो भी चलाया जाता है, जो कि अब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। दिल्ली NCR और दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। आज शाम को हम भी उस शो में शामिल होने वाले हैं, और आपको भी हम दिखाएंगे। गाइज यहाँ पर आपको वीडियो बनाते हुए काफी सारे क्रिएटर्स भी देखने को मिलेंगे। अभी शाम के बजे हैं 6:30, और अभी 1 घंटा और है वाटर फाउंटेन शो चलने में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ लग गई है, जैसे यहाँ पर मेला लगा हुआ हो। तो गाइज टाइम हो गया है लेजर शो का, और ये वो प्रोजेक्टर रूम है जहाँ से उस शो को ऑपरेट किया जाता है। चलिए अब हम देखेंगे लेजर शो।
आदिकाल की विलुप्त हो रही यीशु परंपरा का पुनरुत्थान का था वेद वर्ग से प्रारंभ करने की चेष्टा की गई है। सृष्टि के प्रारंभ में मानव मात्र के कल्याण के लिए अग्नि वायु आदित्य अंगीरा इन चार ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में उद्भूत हुए। तत्व ज्ञान की दृष्टि से एक कर्म का विषय, सामवेद उपासना का विषय और अथर्ववेद में विज्ञान का विषय और अथर्ववेद प्रकट हुए। ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं तस्मात् जातस्तु परतः ऋचः तमाम् यज्ञे यजुस्तु मा जायते। गाइज ये जो लेजर शो है ये लगभग आधे घंटे चलता है जिसके जरिए वेदों से जुड़ा ज्ञान देने की कोशिश की जाती है और भारत की प्राचीन संस्कृति की आज के टाइम में क्या इम्पोर्टेंस है ये बताया जाता है। तो गाइज अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो इस पार्क की लोकेशन और टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज ये पार्क नोएडा के सेक्टर 78 में स्थित है। अगर आप अपने व्हीकल से आना चाहते हैं तो गूगल मैप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अगर आप मेट्रो से आना चाहते हैं तो सेक्टर 101 के लिए आप एक्वालाइन ले सकते हैं। वहाँ से 5 से 7 किलोमीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पर ये पार्क पड़ता है। तो गाइज यहाँ की एंट्री और पार्किंग अभी बिल्कुल फ्री है तो आप यहाँ पर जरूर से आएं। आपको यहाँ आकर काफी सारी नॉलेज मिलेगी। तो गाइज कैसी लगी आपको ये वीडियो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर से बताएं। तो गाइज समय हो गया है अब जाने का क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है आज। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो गाइज हम देख रहे थे 3D शो वेदवन पार्क के अंदर और एकदम से ही यहाँ पर काफ़ी तेज आ गई बारिश तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए आप। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।